हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है आज शनिवार का और टाइम हो रहा है सुबह के जो है 9:30 बज चुके हैं। मेरा यहाँ किचन का क्लीनिंग का काम सब ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़ों की तय। जो कपड़े कल धोए थे, क्योंकि कपड़े जो हैं आजकल थोड़ा मौसम ऐसी हो रहा है तो 2-1 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। तो मैंने जो है परसों कपड़े धोए थे और उसके बाद जो है कल फिर धोए थे कपड़े। तो 2 दिन के कपड़े जो है वो मैं सब तय कर रही थी। और यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला धुला दिया है, सब बच्चों को रेडी कर दिया है और सब मेरा जो झाड़ू पोछा वगैरह ये सब काम जो है मेरे बाकी हैं। और सबसे पहले सोचा था कि कपड़ों की ही तय लगा दूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि करना पड़ता है, तो इसीलिए ये सबसे पहला काम था। वरना पड़े रह जाते तो फिर पड़े ही रह जाते, ऊपर सूख रहे थे। तो ये मैंने तो सबसे पहले मैं इन्हें उतार कर ले आई थी। और यहाँ पे जो है उर्वी काव्या को सबको मैंने खाना वगैरह सब खिला दिया था। और मैंने खाने में आज घिया की सब्ज़ी बनाई थी और वो खाना लेकर लंच वगैरह मेरे हस्बैंड जी जा चुके हैं ड्यूटी। और सबसे पहले कपड़े तो वगैरह तय करने के बाद करूँगी बिस्तर ठीक। तो जी यहाँ पे जो है कपड़ों वगैरह की तय लग चुकी है और अब आ गई हूँ बिस्तर ठीक करने। बिस्तर जब से ठीक ना हो तो उससे पहले सफाई नज़र भी नहीं आती है, क्योंकि बेड एक बार ही सही हो जाए, बेड की बेडशीट वगैरह जो एक बार अच्छे से सेट हो जाए तो उसके बाद ही जो है साफ़ सफाई नज़र आती है। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा था कि बेड ही ठीक करूँगी, लेकिन बच्चे जो हैं लेटे हुए थे तो पहले मैंने कपड़े वगैरह की तय की और अब मैं कर रही हूँ बेडशीट ठीक। ये वही वाली बेडशीट है जिसमें से मैंने तकिया के कवर मैंने बनाए हैं और इसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है। और बेडशीट बिछने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी, सुंदर भी लग रही थी। मैंने पहले भी बिछाई हुई है ये बेडशीट और अब मैंने शायद 3 या 4 बार मैंने ये बेडशीट बिछाई है। और बिछने के बाद जो है बहुत ही अच्छी लगती है। चार इसके पिलो कवर वगैरह भी निकल गए थे 4, तो मैंने इसकी पिलो कवर की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं मैंने कैसे बनाई हुई है। तो यहाँ पे आ गई थी बारी झाड़ू की और झाड़ू वगैरह पहले भी मैंने एक बारी झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे दोबारा से गंदगी कर ही देते हैं। और सुबह जब मैं नहाई थी ना, नहाने धोने के बाद जो है बासी घर में पूजा नहीं होती है, तो मैंने पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा के और हल्का सा पोछा यहीं पे चौक में मैंने लगा दिया था और उसके बाद जो है पूजा की थी। तो इसीलिए बासी घर ना रहे, इसलिए मैंने एक बार फिर से झाड़ू लगाई थी। और अब दोबारा से कूड़ा वगैरह फिर से हो गया था तो इसलिए फिर झाड़ू लगानी पड़ गई थी। और बारी आ गई थी पोछे की। पोछा वगैरह लगाने के बाद तो आज मैंने आपके साथ शेयर करने वाली थी कि मैं साड़ी कैसे बांधती हूँ, तो उसके टिप्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही थी। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम किया था और उसके बाद जो है वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने जो है जल्दी जल्दी काम जो है ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह बस लग चुका था और उसके बाद जो है नहाना तो आज सुबह हो ही गया था। उसके बाद जो है दोबारा से एक बार हल्के से हाथ मुंह दोबारा से धो लूँगी, या फिर गर्मी का टाइम है दोबारा से जो है नहा भी लूँगी। तो जी बारी आ गई थी अब ये टिप्स बताने की। तो यहाँ मैंने ली है ये साड़ी, ये बिल्कुल सिंपल शोवर साड़ी है और ये जो है साड़ी का एंडिंग पॉइंट जो है होता है ना वो लास्ट वाला, तो उसको मैं अंदर पेटीकोट के अंदर, पेटीकोट का नाड़ा हमेशा टाइट ही होना चाहिए वरना साड़ी जो है दोबारा दोबारा से खुलती बनती रहती है। तो इसीलिए जो है ना पेटीकोट का नाड़ा जो है टाइट ही होना चाहिए तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है मैंने साड़ी को अंदर से इतना उड़ेस लीजिए जितनी आपकी लेंथ है, क्योंकि किसी की लंबाई ज़्यादा होती है किसी की कम होती है। तो मैंने यहाँ पे जो है साड़ी अंदर जो है उड़ेस ली है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है पल्लू वाला हिस्सा जो है मैं कर दूँगी ऊपर। पल्लू वाला हिस्सा जो है ना पहले जो प्लेटें वगैरह बनती हैं तो वो पहले बनाते हैं, तो पल्लू वाला हिस्सा पहले सेट करते हैं हमेशा से ही। और जो ये घूंग वगैरह होते हैं जो पेट वाले, ये हम बाद में सेट करते हैं। तो ऐसे मुझ पे प्लेट नहीं बनती है, मैं सच बताऊं तो मुझ पे नहीं बनती है। तो मेरी आदत है कि मैं पल्लू का जो एक कॉर्नर साइड है वो हमने दांतों में दबा के उसके बाद जो है अच्छे से प्लेट जो है मैं डाल देती हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को बताने की, लेकिन मैं ऐसे नहीं बता पाई। तो ये देखिए अब जो प्लेटें हैं बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी और इससे बहुत जल्दी भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो जाती हैं। तो मैंने जो है ना यहाँ पर देखिए प्लेट जो है बहुत अच्छे से निकल के आ जाती हैं, आराम से बंद भी जाती है और साड़ी जो है बिल्कुल 2-3 मिनट के अंदर भी रेडी हो जाती है। और देखिए ये प्लेट्स जो हैं बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। और मैं जितना मुझे पल्लू रखना है मैं उसको बिल्कुल फिट करके सेट करके, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है सर पे चुन्नी रखनी पड़ती है ना, तो इसीलिए जो है हमने सर पे जो पल्लू रखने की वजह से हमें पल्लू थोड़ा ज़्यादा भी रखना पड़ता है। तो इसीलिए जो है मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे पल्लू रखना है उसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक पिन लगा दूँगी बिल्कुल ब्लाउज़ के मतलब जो कंधा होता है ना उसके बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे मेरा हाथ है ना यहाँ पे मेरी डोरी लगी हुई है, मैं यहाँ पे एक पिन अप कर दूँगी। इसे आगे की तरफ प्लेट्स नहीं गिरती हैं, इससे अगर हम पीछे की तरफ लगाते हैं ना पिन को तो आगे की तरफ प्लेट्स जो हैं गिरती नहीं हैं। तो यहाँ पे आ गई थी बारी घूम की। तो जो पल्लू का जो ये वाला हिस्सा है ना इसको थोड़ा सा टाइट खींच के हम यहाँ पर जो है अच्छे से एक पिन जो है यहाँ पे लगा देंगे। 2-3 प्लेट्स ये छोटी छोटी सी डाल के, इससे ना बैठने उठने में आसानी होती है। तो ये वाली पिन मैं हमेशा से ही लगाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पिन लगा दी है और उसके बाद जो है मेरे घूंग अब आसानी से बंध जाएंगे, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं साड़ी पहनने में, तो मैं खुद ही साड़ी हमेशा से बहुत अच्छे से पहन लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है साड़ी पहनना। अब जो है इन घूंग को मैं अच्छे से जो है सेट कर दूँगी। ये देखिए सारे घूंग जो हैं बहुत अच्छे से निकल कर आ गए हैं। और ऐसे ही एक बारी प्लेट्स वगैरह दोबारा से गिन के और जितनी प्लेट्स हैं उतनी रख के और उसके बाद जो है बाकी का जो घूंग है वो अंदर की तरफ टक कर देंगे। ये देखिए कोई एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ नहीं बचता है, ऐसे बिल्कुल अच्छे से इजीली आ जाती हैं। तो ये देखिए साड़ी जो है बहुत ही सुंदर बन गई है, अच्छी भी बन गई है। और यहाँ पे मैं घूंग के अंदर की तरफ एक लगा दूँगी पिन, जिससे ये घूंग है ना बार बार निकले ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पिन जो है अंदर की तरफ लगाती हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी अब मैंने सुबह बांधी है ना तो शाम तक ऐसे ही रहेगी और मुझे खोलनी नहीं पड़ेगी दोबारा दोबारा, जैसे बांधने की दिक्कत नहीं होगी। चाहे मैं कितने भी काम कर लूँ, घर के सारे काम कर लूँ, लेकिन मेरी साड़ी जो है नहीं होएगी इधर उधर, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से पिन अप कर दिया है। तो जी हो गई है मेरी साड़ी रेडी। मुझे लगा था कि मैं ये वाला मोमेंट आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरे को लगा मैंने कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि जो मेरी फ़र्स्ट नोटिफिकेशन है वीडियो की वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।